मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन प्रभु यीशु ने तब बताया है जब वो दुनिया के अंत के बारे में बता रहा था। चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा था कि तुम्हारे दोबारा आगमन का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या रहेगा, हम कैसे जाने कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है और तुम धरती पर दोबारा आने जा रहे हो, इन बातों का चिन्ह क्या रहेगा। और इस सवाल पर जवाब देते समय प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें बताई। अंत के समय के चिन्ह, प्रभु यीशु के दोबारा आने के वक्त धरती पर कैसी कैसी घटनाएं होते जाएगी, ये बातें प्रभु ने चेलों को बताई। और बताने के बाद वो अंत में बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह वचन प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले बताया था। आज हम 2000 साल बाद इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि प्रभु का ये वचन सच हो गया है। प्रभु ने अपने शब्द की तुलना आकाश और धरती के साथ की है, क्योंकि हम जानते हैं आसमान और धरती दोनों बातें ऐसी हैं जो कभी टलती नहीं है और ना ही हमने कभी जिंदगी में उसको टलते देखा है और ना ही हमारे बाप दादों से कभी सुना है कि ऐसा कभी हुआ था कि आसमान भी ख़त्म हो गया और धरती भी ख़त्म हो गई। कभी आज तक ऐसा सुना नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम टलती हुई चीज़ों को क्या देखते हैं? पेड़ बड़ा होता है, सालों साल रहता है, कोई पेड़ 25 साल या कोई पेड़ 50 साल भी जिंदा रहता है, बाद में मर जाता है। मनुष्य को तो ख़त्म होते हुए हम हर दिन देख रहे हैं। लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं नहीं जानते, कहाँ चले जाते हैं ये भी नहीं जानते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब 80-90 साल के होने के बाद गुजर जाते हैं। कोई कोई उम्र के 20 साल में भी ख़त्म होते हैं, 40 साल में भी ख़त्म होते हैं। मनुष्य को तो ख़त्म होते हुए हम हर दिन देख रहे हैं, पर अपने आसपास जो सृष्टि है उनको भी हम देख रहे हैं। प्राणी हो या पंछी हो या पेड़ पौधे हो, ये सारी बातें ख़त्म होती है। इसलिए प्रभु ने अपने शब्द की तुलना, अपने वचन की तुलना आसमान और धरती के साथ की है, क्योंकि ये दोनों बातें हमेशा अटल है ऐसा हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु हमें बताना चाहता है कि आसमान जितना अटल है और धरती जितनी अटल है उससे बढ़कर उसके शब्द प्रभु के वचन अटल है। वो कहता है आसमान और धरती नष्ट हो जाएंगे, टल जाएंगे, पर मेरी बातें, मेरे वचन, मेरे शब्द कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु ने इस बात को बताया था। आज हम 2000 साल बाद इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को
अभी तक कोई नष्ट नहीं कर पाया और नहीं नष्ट कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन यानी ये छपा हुआ बाइबिल नहीं है। बाइबिल को तो लोगों ने आज तक बहुत बार जलाया है। गए 2000 सालों में कितने सारे लोगों ने बाइबल को जला दिया, फाड़ दिया, बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की गई। पर जो जलाया गया या जो फाड़ दिया गया या जिसको नष्ट कर दिया ऐसा उनको लगता है, वो था एक लिखित छपा हुआ पन्ना। सच्चाई में परमेश्वर के आत्मिक वचन को आज तक कोई भी नष्ट नहीं कर पाया है और ना ही नष्ट कर पाएगा, यहाँ तक कि प्रभु ने अपने बातों की तुलना आसमान और धरती के साथ की है। इस घड़ी जब प्रभु ये वचन बता रहा है, वो दुनिया के अंत की बात कर रहा है। प्रभु का कहना ये है कि ये सारा खत्म हो जाएगा, पर मेरी बातें नहीं खत्म हो जाएगी। मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। चाहे आप इसको बदलने की कितनी भी कोशिश करो, आप पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाकर परमेश्वर की बातों को नष्ट करने की कोशिश कर दो, पर नहीं हो सकेगा। आसमान भी खत्म हो जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आसमान खत्म हो जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी तो इंसान कहाँ के रहेंगे? धरती खत्म हो जाएगी इसका मतलब धरती का सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, जानवर हो या इंसान हो। धरती टल जाएगी मतलब मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे। पर परमेश्वर का वचन अमर है, कभी मरेगा नहीं, सर्वकाल जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि प्रभु कहता है कि उसका वचन अमर है, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, यहाँ तक कि आसमान और धरती टल जाएंगे पर उसके बाद भी परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस वचन के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए और कितना निर्भर होकर चलते रहना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं और हम निर्भर होते समय अच्छे से जांच परख भी करते हैं। आपका बेटा 10वीं हो गया तो आप पहले सोचते हैं इसको कौन से कॉलेज में डालना है, कौन से कक्षा में डालना है या कौन से इलाके में डालना है, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या तीनों छोड़कर और कुछ इनको दिया जाए, क्यों आगे जाकर उसे पछताना ना पड़े, आगे जाकर उसका कोई नुकसान ना हो जाए। आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आप कितने बार सोचते हैं, कितने बार लोगों को पूछते हैं, एक 40 या 50,000 की गाड़ी खरीदनी होगी, आप 50 लोगों से जांच पड़ताल करते हैं, ये गाड़ी कैसी है, वो गाड़ी कैसी है, ये कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी, क्यों? इसलिए कि लगता है इतना पैसा डालूंगा बाद में पछताना नहीं पड़ना चाहिए। एक गाड़ी खरीदनी है तो 50 लोगों को पूछते हैं, घर में एक साधारण टीवी खरीदना है तो भी कितने सारे लोगों को पूछते कौन सी कंपनी का टीवी अच्छा रहता है, कौन सी कंपनी का टीवी खराब नहीं होता है, कितनी सारी जांच पड़ताल। बेटे की शादी करनी है तो बहू ढूंढ रहे हैं, कितने सारे लोगों को पूछते लड़की कैसी है, क्यों? बहू बनाकर घर में लाएंगे बाद में पछताना नहीं पड़ना चाहिए। देखो, हम जीवन के हर बात में जांच पड़ताल करते हैं, बिना जांच पड़ताल के कोई बात करते नहीं है, अर्थात कितनी भी जांच पड़ताल की तो आगे जाकर पछताना ही पड़ता है। क्योंकि जितनी सारी बातें हम परमेश्वर को हटाकर करते हैं, उन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर का कोई आशीर्वाद नहीं होता है और ऐसी सारी बातें आगे जाकर हमें नुकसान ही पहुँचा देती है। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी ढूंढ रहे हैं वो भी कहाँ पर? सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट कंपनी में नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा नहीं होता है? कभी भी बंद हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब है तो भरोसा है।
हम जीवन में सारी भरोसा वाली चीजें ढूंढते हैं, जिन पर हम निर्भर हो सकते हैं, जिन पर हम भरोसा रख सकते हैं, जिन पर भरोसा रखने के बाद आगे जाकर हमें पछताना ना पड़े। यहाँ तक कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो कुर्सी को भी जांचते हैं, टूटी तो नहीं है, बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई ऐसी भी होते हैं टूटी कुर्सी को बिना देके आके बैठ जाते हैं और फटाक से गिर जाते हैं, सही है ना? बिल्कुल वैसा ही हम आत्मिक जीवन के बारे में कर रहे हैं। दुनिया के लोग बिना जांच परख के, आत्मिक जीवन के बारे में बिना जांच परख के टूटी हुई कुर्सी पर बैठ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। जो कुर्सी टूटती नहीं है बल्कि सदा अटल बनी रहती है, वो है परमेश्वर और उसका वचन। परमेश्वर और उसका वचन सदा अटल है, सदा बना रहता है, वो हमें गिराता नहीं है, वो हमें नष्ट नहीं कर देता है, वो हमारा नुकसान नहीं करता है। और जितने सारे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपना जीवन बिताते हैं, उनको आगे जाकर पछताना नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। भौतिक चीज़ों के बारे में हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितनी जांच पड़ताल, नौकरी ये अच्छी रहेगी या वो अच्छी रहेगी, बहू लानी है तो ये बेटी अच्छी है कि वो बेटी अच्छी है, गाड़ी खरीदनी है तो ये खरीदना चाहिए वो खरीदना चाहिए, एक बिजनेस कोई धंधा शुरू करना है, कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितनी पूछताछ करते हैं, कितने सारे लोगों को बोलते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। एक कपड़ा खरीदना है तो दुकान में जाने के बाद दुकानदार को 50 कपड़ा निकालने के लिए बोलते हैं। खरीदना एक ही है पर 50 कपड़े परखते हैं और उनमें से एक कपड़ा चुन कर लेते हैं। कभी कभी वो भी नहीं अच्छा लगता है, छोड़कर दूसरे दुकान में चले जाते हैं। हमारे भौतिक बातों के बारे में हम कितने सावधान हैं, कपड़ा भी परख कर खरीदते हैं। और आत्मिक जीवन के बारे में ऐसे बेहोश बन गए हैं कि जैसे कि टूटी कुर्सी पर जाके फटाक से बैठ जाते हैं। दुनिया अंधकार से भरी हुई है, दुनिया की बातें अंधकार से भरी हुई है। हम दुनिया की बातें सुनते हैं, लोगों ने मुझे क्या कहा, पड़ोसियों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मेरी सहेलियां क्या कहती है, हम उनकी बातों पर निर्भर होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे विश्वासी लोग भी अपना विश्वास का सफर करते समय मनुष्यों को खुश करने की कोशिश करते हैं और मनुष्यों की सलाह लेते हैं। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए मैं वही करूँगा। मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा कहा, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कहा। हम मनुष्यों की बातों को सुनते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनके अनुसार आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर गिर जाते हैं। आपको आत्मिक जीवन में खड़ा होना है, आशीषित बनना है और अंत तक एक सफल जीवन बिताना है, आपको अटल बात पर विश्वास करना है और ये अटल एक ही है, परमेश्वर और उसके शब्द, उसके वचन। प्रभु यीशु ने अंत के समय के बारे में जब बताया तभी ये वचन कहा कि आसमान और धरती नष्ट हो जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आप जानते हैं प्रभु ने इस घड़ी क्यों बताया, क्योंकि अब तक जो प्रभु की बातें थी कोई लोगों को सही लगती थी, कोई लोगों को सही नहीं लगती थी, पर जब अंत की बात आती है ना, कितने सारे लोगों को बड़ी हंसी आती है। दुनिया खत्म हो जाएगी, किसने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी? हमारे बाप दादों से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, 100 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले धरती पर क्या हुआ था। और अभी अभी विज्ञान ने नई खोज लगाई है, बोल रहे हैं कि धरती को बनाकर, धरती को अस्तित्व में आकर करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल। जहाँ हमारा बाइबिल हमें सिखाता है, परमेश्वर ने जब भी पहला मानव बनाया आदम, तब से लेकर आज के दिन तक
कोई करोड़ों साल नहीं हुए है, बल्कि केवल और केवल 6000 साल बीत गए हैं। 6000 साल, प्रभु यीशु आने के पहले 4000 साल और उसके आने के बाद 2000 साल। ये दुनिया बस 6000 साल पुरानी है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर की बातें हमें क्या कहती है, इस पर दुनिया नजरअंदाज करती है। और जब दुनिया के अंत की बात आती है तब कितने सारे लोगों को मजाक ही लगती है। यह अंत का समय है, इसलिए लोगों के दिल परमेश्वर के लिए पत्थर बनते जा रहे हैं, कठिन बनते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप जाकर यदि बताओ कि अंत नजदीक आ रहा है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। हम लोगों को सिखाते हैं पैसा इकट्ठा करने में, जायदाद इकट्ठा करने में व्यस्त मत होते जाओ, अपना मन परमेश्वर की बातों की ओर लगाओ, अपने जीवन को और अपनी आत्मा को परमेश्वर की नज़र में सही बनाने के लिए कोशिश करते जाओ। दिन रात पैसा 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 करके उसके पीछे भागते मत जाओ, क्योंकि वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी करके रखी है। और प्रभु ने उदाहरण भी दिया है, जैसे कि पानी में मछली तैरती है, बड़े आराम से और मजे से तैरती है, नहीं जानती है कि अगले ही पल में एक बड़ा जाल हमारे ऊपर आ गिरेगा और हम जाल में फंस कर मर जाएगी, नहीं जानती है। जैसे कि पानी में तैरने वाली मछलियाँ खुशी से यहाँ वहाँ पानी में करती है और अचानक जाल उनके ऊपर आ गिरता है और वे जाल में फंस कर मर जाती है, बिल्कुल वैसा ही दुनिया के साथ होने जा रहा है। लोग बड़े बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, संपत्ति और जायदाद के पीछे पड़े हैं। हर एक को इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी जमीन, बड़ा घर, बहुत गाड़ियाँ, बहुत सोना, बहुत पैसा, लोग इनके पीछे पड़े हैं। जैसे कि पानी में मछलियाँ तैरती है, वैसे लोग दुनिया में यहाँ वहाँ सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। मान सम्मान भी तो चाहिए सबको, पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सोना चांदी गाड़ी बंगला भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। और इनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और इन सारे बातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अचानक वो समय आ जाएगा, दुनिया का अंत का दिन। वो आने से पहले संकट आ जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाइयों के बारे में तुम सुनोगे, यहाँ वहाँ हर जगह भूई डौल यानी भूकंप हो जाएंगे। ये सारी बातें जब तुम सुनोगे, डरना नहीं, इनका होना अवश्य है। दुनिया का अंत होने के पहले ये सारी बातें हो जाएगी। नैसर्गिक विपत्ति आएगी, प्राकृतिक विपत्ति आएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी, बहुत सारी बुरी बातें, बहुत सारा संकट आ जाएगा। और ये होने के बाद वो अंत का दिन आएगा। परमेश्वर दुनिया का विनाश करेगा, बचेंगे कौन जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होना पसंद किया था, प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने अपने आप को साफ किया, धर्मी बनाया, वे लोग बच जाएंगे, अनंत जीवन में पहुँचेंगे। और जिन्होंने पाप में रहना पसंद किया, बुरे कामों को करना पसंद किया, दूसरों को फंसाना और लूटना और दूसरों पर अन्याय करना पसंद किया, उनके लिए अनंत जीवन में कोई जगह नहीं होगी। उनके लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा बंद रहेगा और ये जाएंगे अनंत काल की पीड़ा में, जिसे बाइबिल नरक कहती है। अनंत काल वहाँ पर वो तड़पते रहेंगे और उनकी पुकार परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा और ना ही वे वहां से कभी बाहर आ पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है आसमान और धरती टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। आज लोग हंस रहे हैं, कहाँ है दुनिया का अंत, कहाँ है प्रभु का आना। तुम लोग सालों साल से बता रहे हैं दुनिया का अंत आ रहा है, दुनिया का अंत आ रहा है, यीशु मसीह दोबारा धरती पर आ रहा है, कहाँ है प्रभु, कहाँ है दुनिया का अंत। अंत के समय में कितने सारे लोग जो परमेश्वर के लिए और उसकी बातों के लिए कड़क बन गए हैं,
कठिन दिल के बन गए हैं, वे लोग ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, पर उनके ऊपर यह दिन, अंत का दिन, एक जाल के समान आ गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको धरती पर आशीषित बनना है, सफल जीवन जीना है, और मरने के बाद या इस धरती का अंत होने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करो। यीशु ने कहा है, मेरी बातें यानी उसके वचन, उसके शब्द सत्य है, अटल है, आप उन पर निर्भर रहो। प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है। उन पर निर्भर होके, उन पर भरोसा करके चलना शुरू करो। शुरू में आपको कठिन जरूर लगेगा, पर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आगे चलते जाओगे, आप जानोगे कि परमेश्वर का वचन, उसकी बातें आपको ताकत दे रही है, आपके जीवन में काम कर रही है। पैसा हमें कुछ नहीं दे सकता है, संपत्ति और जायदाद हमें कुछ नहीं दे सकती है। आप पैसे से चंगाई नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से शांति नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से पापों की क्षमा नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसा देकर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं खरीद सकते हैं, और आप पैसा देकर अनंत जीवन को नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए दुनिया क्या बोल रही है ये सुनना बंद करो, और परमेश्वर क्या बता रहा है ये सुनना शुरू करो। हमारे कान दुनिया के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हम बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर वैसा करते हैं, और फिर एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई यहाँ पर ऐसा होगा जिसको उसके सगे भाई ने फंसाया और उसकी जमीन खींच कर ली। जब उसे पता चला कि मेरे भाई ने मुझे फंसाया है और मेरी जमीन ले ली है, तब वो दूसरों की राय लेता है, अपने दोस्त को पूछता है, रिश्तेदारों को पूछता है, मेरे भाई ने ऐसा किया है, वैसा किया है, अब मैं क्या करूं। लोग सलाह देते हैं, जाओ पुलिस में कंप्लेन डालो, उसने ऐसा किया है ना, तो छोड़ना नहीं, सारे वैसे ही सलाह देते हैं। जब ऐसा भाई यहाँ प्रार्थना में आता है, प्रभु के सामने बैठता है, प्रभु उससे बात करता है और उससे कहता है, तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो सब मेरे हाथ में दे दो, बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, मैं दे दूंगा, जो उसने छीना है उसको मैं तुझे किसी भी रीति से वापस लौटा दूंगा। ये भाई सोच में पड़ता है, करे क्या, सारे लोग मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है गलत रास्ते से आगे मत बढ़ो, उस पर कोई केस मत डालना, उसके उससे नफरत नहीं करना, उसका कुछ बुरा करने का नहीं सोचना, बस ये पूरा मेरे हाथ में दे दो। आप जानते हैं, जब तक हम अपनी केस परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं, तब तक परमेश्वर भी इंतजार करते रहता है, क्योंकि उसने मनुष्य को आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है, तो वो किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि आप इतने बड़े आवाज़ में कहते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है, यीशु मसीह बीमारी निकालता है, यीशु मसीह ये चमत्कार करता है, वो चमत्कार करता है, तो क्यों ना यीशु मसीह तुम्हारा अस्पताल में जाकर लोगों को चंगा करता है, क्यों ना इतने सारे मरीज दुनिया में पड़े हैं उनको चंगा करता है। वजह यह है कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, वो खुद जाकर किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि हम उसे कहे, प्रभु मेरा जीवन मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, तुम्हारे हाथ में देता हूं, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे जीवन में काम कर। जब तक हम अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं देते हैं और हम प्रभु से विनती नहीं करते हैं, तब तक वो रुका रहता है, क्योंकि वो किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को चंगा किया, पर आप सारी बातों को अच्छे से पढ़िएगा, आप जानेंगे कि लोग प्रभु के पास आते थे और विनती करते थे, तभी जाकर प्रभु उनको चंगा करता था। और एक दो घटना ऐसी है जहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि लोग, वो दुखी लोग प्रभु के पास नहीं आए थे, पर उनका बड़ा दुख देखकर प्रभु खुद उनके पास गया था। पर जाने के बाद तुरंत नहीं कुछ किया, पहले उनको कुछ करने के लिए कहा, उनसे बात की और आगे जाकर उनके लिए अद्भुत काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मनुष्य परमेश्वर के पास आता नहीं है, नम्र नहीं बनता है, परमेश्वर के शरण नहीं लेता है और उसे मांगता नहीं है, विनती नहीं करता है, तब तक परमेश्वर इंतजार करते रहता है। यह व्यक्ति जिसको उसके भाई ने फंसाया है, ये अपना ये पूरा, अपनी ये पूरी बात या अपनी केस परमेश्वर के हाथ में नहीं देता है, परमेश्वर इंतजार करते रहता है। फिर वो सोचता है, प्रभु क्या करेगा, मुझे कुछ तो करना चाहिए, इतने सारे लोग बता रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए। वो जाता है पुलिस में कंप्लेन डालता है, फिर आगे बात बढ़ती जाती है, फिर उसका भाई उसका दुश्मन बनते जाता है, एक दूसरे से ऐसी नफरत हो जाती है कि एक दूसरे पे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आगे जाकर कोर्ट में केस डाली जाती है, सालों साल केस चलती रहती है। और इन सारे सफ़र के दरमियान ये मनुष्य को इस बात का पछतावा होने लगता है, अच्छा होता कि मैं ये सारी बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता, बार बार मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, बार बार मुझे वकील को फ़ी देनी पड़ती है, कुछ हो भी नहीं रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतना सारा दर्द, इतना सारा कष्ट उठाना पड़ता है, इतना सारा पैसा भी जा रहा है, अच्छा होता कि मैं ये सारी बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। आगे जाकर 10 साल के बाद या 12 साल के बाद समझो उसको निकाल मिल गया, फैसला आ गया और उसकी तरफ से आ गया, तो भी उसके दिल में वो खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये पाने के लिए उसको इतना समय, इतना लंबा समय सफ़र करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी। और बाद में उसका भाई और भाई का परिवार हमेशा के लिए उसका दुश्मन बन जाता है। इसके विपरीत प्रभु ने उसको कहा था, तुम्हारी बात परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। यदि वो अपनी सारी बात परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है और कहता है, प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या करना है और ना ही मैं कुछ करूँगा, मैं बस तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और ये सारी बातों को तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ, और शांत हो जाता है। वो शांत होने की कोशिश तो जरूर करता है, पर शैतान उसे शांत होने नहीं देगा। उसकी औरत बार बार टोकते जाएगी, कुछ करता नहीं है, भाई ने फंसाया, कुछ करता नहीं है। समझो बच्चे भी थोड़े समझ में आने वाले हैं, ऐसे होंगे, बच्चे भी बोलते जाएंगे, फिर रिश्तेदार पड़ोसी जिन जिन को मालूम है वो सब बोलते जाएंगे, क्या कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो। ऐसे सारी हालत में वो अपने विश्वास को, अपने मन को प्रभु में स्थिर बनाए रखता है। हर दिन प्रभु से कहता है, प्रभु देखो ये लोग मुझे कितने परेशान कर रहे हैं, पर मैंने तुझ पर विश्वास किया है, तू ही जो करना है वो कर देना। अब जानते हैं ऐसे भाई को प्रभु आगे जाकर इतना बड़ा आशीष देता है कि उसके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनकी अच्छी पढ़ाई होती है, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और इनकी आर्थिक हालत बदल जाती है, सुधर जाती है, घर में बड़ा आनंद होता है, बड़ी शांति होती है। और जो भाई जिसने इसकी ज़मीन छीन ली थी वो आगे जाकर बीमार होता है, उसके बच्चे बीमार होते हैं, घर में परेशानी शुरू होती है। और वही एक दिन इसके पास आकर बोलता है, तुम वहाँ प्रार्थना में जाते थे ना, वहाँ से कुछ तेल लाते हो ना, जरा मुझे दे दो ना, मैं बीमार हो गया हूँ। तुरंत नहीं आएगा, पहले वो सारे इलाज करेगा, पैसा खर्चा करेगा और जब थक जाएगा भाई के पास आएगा, जरा मुझे प्रार्थना का तेल दोगे क्या,
कितने सारे लोगों ने इस बात का अनुभव किया है, जब वे परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होते हैं और परमेश्वर की बातों को पकड़े रखते हैं, वे कभी भी हारते नहीं हैं, बल्कि आगे जाकर उनकी ही जीत होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, सदा बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया के अंत के समय में जब दुनिया में परमेश्वर के लिए विश्वास कम 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 होते जा रहा है, ऐसे माहौल में चलते समय हमें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, पर ध्यान में रखो, यीशु मसीह और उसका वचन सदा अटल रहेगा। दुनिया नष्ट हो जाएगी, बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट होते जा रही है, दुनिया और उसकी वासनाएं नष्ट होते जा रही है, पर वही सर्वकाल जीवित रहेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपको कौन क्या बता रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप 10 लोगों की बातें जरूर सुनते होंगे, आगे जाकर परमेश्वर से बात किया करो और वो आपको क्या बता रहा है वो पहले सुनो, वो जैसा बता रहा है वैसा करो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया, वो मनुष्यों के पापों की मुक्ति के लिए आया था, मनुष्यों के पापों का दंड खुद पर लेकर क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया था, पर जब तक प्रभु का क्रूस पर बलिदान न हुआ तब तक उसे कितने सारे बातों का सामना करना पड़ा, कितने सारे बातों का, उसको निराश करने के लिए, उसके मन को कमजोर बनाने के लिए शैतान ने कितनी कोशिश की, यहां तक कि जब प्रभु क्रूस पर मर रहा था और उसका पूरा शरीर दर्द और पीड़ा से तड़प रहा था, तब शैतान लोगों के द्वारा बातें कर रहा था और उसे बोल रहा था, तूने अंधों की आंखें खोली, क्या तू खुद को नहीं बचा सकता है? तू दुनिया को कहता था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ऐसे दुर्बल हालत में मर क्यों रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाओ, तुमने अंधों की आंखें खोली, क्या अभी खुद को नहीं बचा सकता है? मरे हो को जिंदा किया और अभी खुद क्यों ऐसी हालत में मर रहा है? लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यहां तक कि प्रभु के दोनों तरफ दो चोरों को क्रूस पर लटकाया था, वे चोर थे और इसलिए उनको ये सजा मिली थी। उनमें से एक ने भी प्रभु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा ले और हमें भी बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम जानते हैं कि अंत तक प्रभु ने शैतान की बात को नहीं सुना, अंत तक, जब तक कि मनुष्यों के पापों का दंड वो पूरा ही पूरा नहीं लिया था, तब तक उसने शैतान का जरा भी नहीं सुना और मरने से पहले कहा, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या? मतलब मैंने सारा दंड ले लिया है, सारा कर्जा अदा कर दिया है, पूरा हो चुका है, मनुष्यों के पापों का सारा दंड मैंने ले लिया है। और अंत में कहाँ है पिता, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। अंत तक कभी शैतान का नहीं सुना, दुनिया क्या बोल रही है ये नहीं सुना, वो परमेश्वर पिता के साथ आज्ञाकारी रहा और जैसा परमेश्वर पिता चाहता था वैसा ही अंत तक वो करते रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन अटल है और इसी पर हमने अपने जीवन को खड़ा कर देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में लोग असफल हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, वजह यह है कि उन्होंने अपने जीवन को दुनिया की बातों के ऊपर खड़ा किया है। दुनिया की बातों पर अपने जीवन को खड़ा मत कर देना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, बाइबिल को पढ़ो। परमेश्वर के वचन दो तरफ से हमारे पास आते हैं, एक बाइबिल के द्वारा और दूसरे
पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें पापों की क्षमा मिलती है, और पापों की क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। ये पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आके बैठता है, वो हमारा सदा का अगुआ बन जाता है। वो अंदर से हमसे बातें करते रहता है। परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और सच्चाई को वो हमारे सामने प्रकट करते रहता है। और इसीलिए हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो अगुआ बैठा है पवित्र आत्मा, वो भी हमें परमेश्वर के वचनों को बताते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात की अपने आप को आदत लगाओ कि पवित्र आत्मा का सुनना है और राय लेनी है परमेश्वर के वचन से। कुछ भी हो गया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, ये जान लो। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, वरना गिर जाओगे। परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को खड़ा करो तो सफल बनते जाओगे, आशीषित बनते जाओगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी, परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को खड़ा करोगे तो दुनिया के नंबर वन अमीर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। पर आप पैसे से अमीर नहीं बनोगे, आत्मिक रूप से ज़रूर अमीर बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें पैसे से अमीर नहीं बनाता है, बल्कि आत्मिक रूप से अमीर बनाता है। जो बातें पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की खुशी, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, ये सारी बातें पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को खड़ा किया है, उनके जीवन में ये स्वर्ग की बातें आना शुरू हो जाता है। वे आत्मिक रूप से अमीर बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उनको नींद के लिए दवा नहीं लेनी पड़ती है। जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। उनकी आत्मा में शांति बनी रहती है, उनकी जबान में ऐसी ताकत होती है कि वो जैसा बोलते हैं वैसा होते जाता है। उनकी आत्मा में ऐसी ताकत होती है कि उनके मन में बस विचार आते हैं और परमेश्वर उनके विचारों के अनुसार कर देता है। उनके दिल में इच्छा पैदा होती है और परमेश्वर उनके दिल की इच्छा को देखता है और उसे पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने मन में इच्छा लाई और वैसा प्रभु ने आपके लिए तुरंत कर दिया, इसका मतलब आप समझ लेना आप परमेश्वर के लाडले व्यक्ति हैं। और यदि आप परमेश्वर के लाडले हैं तो आत्मिक रूप से आप अमीर हैं। पैसा क्या काम का और सोना चांदी क्या काम की। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब मैं लोगों को ये बातें बोलती हूँ ना, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, ये सारी बातें क्या काम की है, तब लोगों में बैठे हुए थोड़े लोग ना नाराज़ होते हैं। क्यों नाराज़ होते हैं आप जानते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता है बड़े खुश होते हैं, है ही नहीं तो उस पर निर्भरी क्या रहेंगे। पर जिन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है ना, वे नाराज होते हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ, दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है। आपका पैसा गरीबों को दिया करो, आपका सोना चांदी से गरीबों की मदद करो, आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है ना बहुतायत से, उससे गरीबों की मदद करो, आप स्वर्ग में अमीर बन जाओगे अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए अमीर बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता है। आपने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो परमेश्वर आपको उस वचन में जो आशीष लिखे हैं वो आशीष 100 गुना दे देगा, क्योंकि वो किसी का कर्जा लेकर नहीं बैठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करो, वचन के ऊपर अपने जीवन को निर्भर करना शुरू करो। परमेश्वर का वचन अटल बना रहता है।
मैंने आपको कहा जो अमीर है आप अपना पैसा गरीबों को दे दो, आपकी संपत्ति और जायदाद से दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। ये मैं आपको मजाक में नहीं बोल रही हूँ, गंभीरता से बोल रही हूँ, एकदम सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। अपने पैसे को यहाँ इकट्ठा करोगे, जायदाद इकट्ठा करोगे, सड़ जाएगी। दूसरों की मदद करोगे तो स्वर्ग में अनंत काल के लिए जायदाद बन जाएगी और अनंत काल के लिए अमीर बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को खड़ा करो और वचन के अनुसार चलते जाओ, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहेगा, परमेश्वर का आनंद और शांति आपके जीवन में बनी रहेगी, और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पर हम अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए, शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।